बंद नेताओं को कोर्ट से जमानत नहीं मिलती, सतेंद्र जैन को जमानत देने से माननीय न्यायालय इनकार करता, मनीष सिसोदिया को माननीय न्यायालय जमानत नहीं देता, संजय सिंह को कोर्ट के द्वारा कोई भी रिलीफ नहीं मिलता, केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर है, हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा, कांग्रेस पार्टी में इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा, शाहजहां शेख पर कोर्ट ने वज्रपदक किया है, लेकिन लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। ये तो हिंदी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ रैली कर रहे हैं। आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मॉडल की तरह पेश करने की फैशन चल रहा है, उनका भ्रष्टाचार उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी सबको चिल्लाना, कोर्ट में दलील काम नहीं आती तो बाहर हल्ला बोलने का काम करते हैं। आकाश से लेकर पाताल तक कांग्रेस आज़ादी से लेकर आज तक जिस तरह से घोटाले घोटालों का आरोप रहे हैं, इनका शीर्ष नेतृत्व भी 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले जेल पर बेल पर है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से संपर्क करने तक के आरोप उन पर लगे हैं। और आनंद देने वाली बात यह है कि गर्व से इसे ये लोग बताते हुए थकते नहीं, कांग्रेस के तमाम नेता जी भरकर जिस पार्टी को गाली देते थे आज उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में हम सब लोग जानते हैं इन्होंने किस तरह का भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार तो पूरा देश ही जानता है, लेकिन इनके परिवारवाद से उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा पीड़ित रही है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी और चालू पार्टी कहती थी आज उन्हीं के साथ बनी हुई है। सनातन धर्म रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली पार्टी के शीर्ष नेता समाज और जनता को नहीं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत, आपने टैक्स की चोरी की है या नहीं की। कांग्रेस पार्टी बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं की, आय को कम करके क्यों बताया गया। आम आदमी पटाए बताए कि क्या सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हैं। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट में उनके नेताओं को जो जमानत नहीं दे रही उसका क्या कारण है, जब 9 बार सम्मान आया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए, क्या वे ये चाहते थे कि जानबूझकर मामला चुनाव तक चला जाए और वे गिरफ्तारी पर विक्टिम कार्ड खेलें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बताएं कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन। जब इंडी गठबंधन है तो यह नहीं कि रैली पर भ्रष्टाचार बचाओ रैली नहीं है। आज जिस प्रकार की परिस्थितियां और भ्रष्टाचार पर सारे विपक्षी दल एकजुट होकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना हो, इसके लिए अलग अलग माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरा सभी अपने सभी आप सब भाइयों बहनों के माध्यम से देश की जनता से निवेदन है कि इन भ्रष्टाचारियों से सावधान रहना। 75 वर्षों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बेईमानी और अराजकता का खुला खेल इन इंडिया INDIA गठबंधन की सरकारों में हुआ, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा प्रदेश अराजकता की स्थिति में था, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी थी, किस प्रकार से कांग्रेस के समय 2004 से 2014 तक भ्रष्टाचार का बोलबाला था, रोज नए स्कैम आते थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने
SIT के जांच के माध्यम से लगभग आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल के साथियों के साथ उनके कार्रवाई करने का काम किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।